सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्पॉन्सरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उससे रिलेटेड कुछ डाउट का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना कि फॉर्म भरने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो ये देते, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स भी दे रखा है जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, जो आपका लास्ट डेट है। सबसे पहले इसमें बता दें कि इसमें IMU CET का आपको फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका इसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें पहले दे रखा लास्ट डेट ऑफ IMU CET एप्लीकेशन 3/8/2020, ये मतलब IMU CET के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी यही डेट है। और फिर आपका SCI का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30/8/2020 तक, मतलब 30 अगस्त तक आपका ये डेट है फॉर्म भरने का। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू SCI MTI 30/8/2020, जिस दिन लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का उसी दिन ये भी डेट है। और उसके बाद देख रखा है डेट ऑफ CET और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स 1/10/2020 को आपका कोर्स का स्टार्टिंग होगा। तो मैंने ये तो पहले पिछले वीडियो में बता रखा था कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, तो अभी इससे पहले मैंने SCI पे दो वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए फिर आप ये देखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ तक तो बता दिया था कैसे रजिस्टर करते हैं, सब कुछ बता दिया था। उसके बाद का स्टेप आपका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें वैसे भी लिखा था जो आपको स्कैन आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है उसका डेट भी दे रखा है लास्ट में। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना है अभी, तो ये 10th का मार्कशीट आपका, 12th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपका TC होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी मतलब SC ST और OBC NCL अगर आपने किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो स्कैन कॉपी होगा आपको इनको मेल करना है। फिर जो आपने अगर IMU CET का रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है लास्ट में पूरा PDF के फॉर्म में, वो आपको भेजना है, और अपना एक स्कैंड फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये भी आपको भेजना है। कहाँ भेजना है उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखा है। इसमें आपको देखिए मेल में जाना है, मेल में जाके यहाँ पे MTI@SCI.CO.IN पे आपको भेजना है। जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन होता है, सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आपको लिखना है DNS एडमिशन और अपना नाम लिखना है डैश करके। देखिए ये फॉर्मेट बता दिया, बहुत ही क्लियरली सुन लीजिएगा, DNS एडमिशन और डैश अपना नाम लिख दीजिएगा फुल नेम, ये आपका सब्जेक्ट में होगा, उसके बाद सेंड कर दीजिएगा, ये सब अटैच कर दीजिएगा उसमें मेल में। और जो डाउट आ रहा था वो आ रहा था कि फॉर्म से मतलब पूछ रहे थे कि उन लोग को जो मैं तब पहले भर चुके हैं उनमें दिखा रहा था फ़ोन नंबर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर कर रहे हैं वो पहले से मेंशन है वेबसाइट में, और आधार कार्ड का भी यही सेम सीन आ रहा था। तो पहले बता दें फ़ोन नंबर आप चेंज कर लीजिएगा अपने घर के किसी भी नंबर से, मतलब कनेक्ट करिए पापा या मम्मी के या घर पर कोई भी आपका फ़ोन उससे कनेक्ट कर दीजिएगा, और जो आधार कार्ड है आप वो सेम लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप मतलब मेल नहीं आपको आ रहा है या मैसेज नहीं आ रहा, तो आप ये सब पहले सब सबमिट कर देंगे, आप मेल के थ्रू आप उनको अपना सब डॉक्यूमेंट भेज देंगे, तब वहाँ से कंफर्मेशन मैसेज आ गया कि उनको मिल गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इससे पहले के वीडियो जो SCI पे बनाए वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा आई कार्ड बटन पर क्लिक करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।